Hello, my beautiful and powerful family, and thanks for subscribing my channel. Thank you so much for liking my content. और आज की वीडियो पूरी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टर क्लास है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना बेहतरीन टूल ऊपर वाले ने हमें देकर भेजा है जिससे हम जो चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं. वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स काम कर ही रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके प्रिंसिपल्स को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो बहुत सारी अनजानी अनचाही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं. अनजाने तौर पर हम यूनिवर्स को कुछ ऐसे कमांड दे देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और फिर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा. ये 24 आवर्स काम कर रहा है, बट इसे हम चाहें तो इस बेहतरीन टूल को अपनी लाइफ में हम जो चाहें अट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं. तो फिर क्यों नहीं, जब इतना बेहतरीन टूल ऊपर वाले ने हमें देकर भेजा है तो क्यों नहीं उसको हम यूज़ करके अपनी लाइफ को जन्नत बनाएं. तो सबसे पहला जो आता है वो है डेलिबरेट थिंकिंग, यानी हमारी जो टेंडेंसी, एक नेचुरल टेंडेंसी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिसऑर्डरनेस की टेंडेंसी है, यानी कि कुछ भी रैंडम थिंकिंग की जो हमारी टेंडेंसी है उससे हम अपनी लाइफ में रैंडम चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एंट्रोपी. तो हमें एंट्रोपी को रिवर्स करना होता है, यानी कि डेलिबरेट थिंकिंग को अपनी आदत बनाना होता है. यानी हमें क्या चाहिए, क्या हम चाहते हैं, उस थिंकिंग को अपने माइंड में इंस्टॉल करना होता है. और इसमें प्रोसेस आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि जिस तरह से हमने अपने ब्रेन का एक अनचाहा स्ट्रक्चर बना लिया है और अब हम वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करके हम अपने ब्रेन के इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चाहें तो चेंज कर सकते हैं. और इसके लिए ज़रूरी है कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की. तो उसी पर बात करेंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर. सबसे पहला पॉइंट जो आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो है अलाइनमेंट में, यानी कि अलाइनमेंट में जब आप होते हैं तब आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और मैनिफेस्टेशन इतना ईजी होता है जितना कि ब्रश करना. अलाइनमेंट आखिर होता क्या है? अलाइनमेंट यानी ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमारे बॉडी में 20 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं और वो सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में उन सारी सिंक्रोनिसिटी में अगर इतना सभी डिस्टर्बेंस आता है तो अलाइनमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? यानी कि हमारे ब्रेन की जो टेंडेंसी है वो ड्यूअलिटी में है. हम मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो कॉर्टिकल ब्रेन है वो इसे हेमी स्फेयर में बटा हुआ है, यानी कि जब भी हम कोई भी चीज़ सोचेंगे तो उसमें दो बातें आती हैं, अच्छा ख़राब होगा नहीं होगा. यहाँ पर हम आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, और जब आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स यहीं पर डगमगा जाते हैं. यानी आपको ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट में आना है. माइंड बॉडी एंड सोल से एक आवाज़ आनी चाहिए. जैसे कि अगर सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजते ही जैसे अलार्म की घंटी बजे, आपको उठ के इंस्टेंट बिस्तर छोड़ करके आपका पांव ज़मीन को टच कर जाना चाहिए. यहाँ पर इफ्स एंड बट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए. अगर आपको मंथली 1,00,000, 5,00,000, 1 करोड़ मैनिफेस्ट करने हैं तो उस वक्त आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, कैसे होगा क्या होगा. यानी बस मुझे करना है और उसके प्रोसेसेस को आप जर्नलिंग करें, लिखें, डॉक्यूमेंट करें, और फिर देखें कि वो सारी चीज़ें कैसे डे बाय डे मैनिफेस्ट होने लगती है. प्रॉब्लम तब आती है जबकि आपने कोई एफर्ट्स लिए, कुछ दिन तक लगातार एफर्ट्स लिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं कि मैनिफेस्ट तो नहीं हो रहा है. और ये बिल्कुल ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है कि कोई काम के लिए एफर्ट्स लगाना और ये सोचना कि नहीं हो रहा है. डॉक्टर जो डिस्पेंसा अपनी बुक में लिखते हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन. फिर करना क्या है? करना ये है कि एफर्ट्स लगाते रहना है एंड उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते रहना है कंटिन्यूसली विदाउट थिंकिंग के क्यों नहीं हो रहा. हमारे घर में एक गमला होता है, उसमें भी हम रोज़ पानी डालते हैं ये सोच कर के ये फूल खिलेगा, एंड धीरे धीरे ये नहीं देखते कि फूल नहीं खिल रहा है, अब नहीं खिल रहा है. ऐसी सोच आपको और मैनिफेस्टेशन को डिले करती है. सो आपको एफर्ट्स लगाने हैं एंड लेट गो कर देना है. लेट गो का मतलब भी समझिए कि लेट गो का मतलब होता क्या है, यानी एफर्ट्स लगाया एंड अब आपको उसकी फीलिंग्स को जीना शुरू कर देना है. यानी कि इफ़ यू वॉन्ट रिचनेस इन योर लाइफ तो वो रिचनेस की फीलिंग्स को अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि हमारी बॉडी फीलिंग्स के
अकॉर्डिंग ही फीलिंग्स के थ्रू काम करती है। जो डिस्पेंसर कहते हैं कि फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर के काम करने का तरीका फीलिंग्स है कि हम किधर जा रहे हैं, किधर हमारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ये हमारी फीलिंग्स बताती है। सो फीलिंग्स पर एवरी टाइम आपको वॉचफुल रहना है। एंड नेवल गुडार्ड भी कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इसलिए अगर 24 घंटे में आपको एक घंटा बल्कि दो घंटा आपको अपनी फीलिंग्स को देना है, यानी मेंटल वर्क ज़्यादा करना है। हम क्या गलती करते हैं कि फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा लगाते हैं एंड यानी वी डायरेक्टली जंप इन टू द थिंग्स और ऐसे में रिजल्ट नहीं आते। यानी मेंटल वर्क आपको ब्रेन पर ज़्यादा काम करना है एंड वो फीलिंग्स जितना सीवियरिटी से हम क्रिएट कर पाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो चीज़ें फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट करना उतना ही ईजी हो जाता है। चीज़ें स्ट्रगल तब लगने लगती हैं जब हम मेंटली वर्क करते नहीं एंड सीधा फिजिकल वर्क पे उतर आते हैं। यानी माइंड में डायलेमा चल रहा है, हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है एंड हम एक्शंस लेने लगते हैं, ऐसे में रिजल्ट में यानी मैनिफेस्टेशन में और ज़्यादा डिले होता है। अब आती है बात टेलीपैथी। ये टेलीपैथी क्या है? हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, टेलीपैथी उसमें बहुत बड़ा टूल है हमारे मैनिफेस्टेशन को इजी करने का। यानी आपको कहीं बिजनेस डील के लिए जाना है, कहीं फिजिकल कहीं आपको जॉब में जाना है, इवन रिलेशनशिप में भी, तो टेलीपैथी का यूज़ करें अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ये आपके काम को और ज़्यादा आसान कर देगा। यानी कि आप आमने सामने होकर जो बात बोलना चाहते हैं वो पहले आप टेलीपैथी के थ्रू उस पर्सन तक, उस जगह तक पहले पहुँचा दें, आप देखेंगे आपका काम आसान हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड टेलीपैथी में हम आम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज या मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव मैसेज देते हैं और हमें जब नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तब हम डिप्रेस होते हैं। सो टेलीपैथी के थ्रू आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर इंसान से, पर्टिकुलर जॉब से क्या आपको मैनिफेस्ट करना है, वो टेलीपैथी के थ्रू आप मैसेज पहले पहुंचा दें, आपका काम इजी हो जाएगा। दूसरा आता है टेलीकाइनेसिस, यानी कि हमारे आसपास सारी चीज़ें जो हैं वो एक ब्रह्मांड, एक इथेरियल मीडियम के थ्रू हम सराउंडेड हैं और हम जो भी सोच रहे हैं वो सारी वाइब्रेशन, सारी फ्रिक्वेंसी हम ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। सो जितनी चीज़ों से हम सराउंडेड हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उन्हें हम पहले ही मैसेज देना, हमें पहले मैसेज दे देना चाहिए। ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। चाहे हम व्हीकल हो उसे भी हम पहले मैसेज दे दें कि हम इजीली एंड एफर्टलेसली किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं एंड आई एम सक्सेसफुली डूइंग दिस जॉब। आप जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पहले ही मैं टेलीकाइनेसिस के थ्रू मैसेज दे देती हूँ, ये वीडियो जितने भी लोगों तक जा रहा है वो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ये आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो सारी चीज़ों को, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो घर हो, रिश्ते हो, जो भी हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सारी चीज़ें वाइब्रेशन है, सारी चीज़ें फ्रिक्वेंसी है, उन्हें आप पहले से मैसेज देना शुरू कर दे, ये आपके काम को, मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। प्रीकॉग्निशन, यानी कि पहले से कुछ चीज़ों के बारे में एंटिसिपेट कर देना। बहुत सारी चीज़ें आप पहले से समझ पाते हैं कि यहाँ मैं जा रही हूँ, मेरा काम बनना चाहिए या ये काम इजी हो जाएगा। ये आपके मैनिफेस्टेशन में आने वाली जो अगर कुछ अड़चन आएंगी तो वो उसे आसान कर देता है। सो प्रीकॉग्निशन यानी कि चीज़ों की समझ डेवलप कर लेना, ये आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा इजी करता है। एंड क्लेयरवॉयंस, जिसे कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो उसमें एक पर्टिकुलर अच्छी चीज़, यानी आपके साथ कुछ न कुछ तो हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, तो हमारे साथ पास्ट में या करंट सिचुएशन में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसमें उन चीज़ को देखना कि इसमें क्या अच्छा हो रहा है, जिसे हम क्लेयरवॉयंस कहते हैं। इसकी एक सिक्स सेंस को डेवलप कर देना कि ये जो कुछ भी हमारे साथ पास्ट में हुआ उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ, और आप गौर करेंगे तो आपको रियल में समझ में आएगा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा था। करंट सिचुएशन में भी जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। इस चीज़ को समझ जाना
एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि क्या चीज़ें आपके आसपास घटित हो रही हैं उसकी समझ को डेवलप कर लेना। ये आपके मैनिफेस्टेशन में आने वाले चीज़ों को के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से एक्शंस लेना है ये काम को आसान कर देता है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। इसे आप समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत इजी और एफर्टलेस हो जाती है। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बेहतरीन टूल ऊपर वाले ने हमें देकर भेजा है। इसे अप्लाई करें अपनी लाइफ को जन्नत बनाने में, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंस, अपने रिलेशन, अपने मनी के हर एरिया को, एंड इवन हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। इसे आप मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी इसमें अपना बेस्ट अचीव करने में, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल एक टूल की तरह इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आप जो चाह रहे हैं वो कितना इजी और एफर्टलेसली आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।